हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रैक्टिस सेट 3.4। सो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.4। सो इसके प्रीवियस वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 3.4 में आने वाले सारे थियरम्स और सारी प्रॉपर्टीज कंप्लीट की है। सो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना प्रैक्टिस सेट 3.4। सो रीड कर लेते हैं प्रैक्टिस सेट 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। सो देखिए क्या दिया है इन फिगर 3.56। तो ये फिगर में आपको क्या बोल रहा है, इन अ सर्कल विद सेंटर ओ, सेंटर ओ है सर्कल का, लेंथ ऑफ अ कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। सो कॉर्ड जो है वो क्या है, रेडियस के इक्वल है, ठीक है। तो जितने भी रेडियस है उन सबके इक्वल आएगा कॉर्ड ए बी। ओके, नाउ फाइंड मेजर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सो आपको चार क्वेश्चन दिए हैं, उसको फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए आपकी बुक में फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, एंगल ए ओ बी फाइंड करना है। ए ओ बी कहाँ पे दिख रहा है, ए ओ बी आपको ये फाइंड करना है, ठीक है। सो ये फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है सल्यूशन। एंड आपको आपके टेक्स्ट बुक में कुछ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है वो ध्यान में रखना है कि कॉर्ड ए बी जो है वो इक्वल है रेडियस के। सो अगर आप इस ट्रायंगल में देखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी ओ, ठीक है, ए बी ओ लिखिए या ए ओ बी लिखिए, ठीक है। सो इन ट्रायंगल में ओ ए और ओ बी क्या है, रेडियस है, ठीक है, क्योंकि ये सेंटर से कहाँ जा रहा है, सर्कल के सरफेस पे, ठीक है। सो यहाँ पर लिखिए OA is equal to OB. Reason क्या आएगा, Radii of same circle. Next, आपको एक reason देकर रखा है जिसे मैंने बोला याद रखने के लिए। अब क्या बोल रहा है कि जो AB है वो क्या है, radius के equal है, ठीक है। So AB is equal to radii of same circle. Radii of circle. ठीक है, ये क्या दिया है हमें, गिवन दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये दोनों किसके इक्वल है, कॉर्ड के इक्वल है। इट मींस ये और ये तीनों इक्वल हो गए। अगर तीनों इक्वल हो जाते हैं तो हमारा ट्रायंगल क्या हो जाता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाता है। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया इट मींस इसके सभी एंगल कितने होंगे, इक्वल होंगे। और सभी एंगल इक्वल होंगे मतलब क्या होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी एंगल कितने की डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के। ओके, सो सबसे पहले हम इस ट्रायंगल को इक्विलेटरल प्रूफ करेंगे, ठीक है। सो अब इक्विलेटरल तो प्रूफ हो ही गया, ओ ए इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ए बी, ठीक है। यहाँ पर आप रीजन दे सकते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ पर रीजन दीजिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके, नाउ अब ये ट्रायंगल क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। तो इसका नाम दीजिए ट्रायंगल ए ओ बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। नाउ अब ए ओ बी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया तो हमें मिल गया ए ओ बी कितना है, 60 डिग्री। सो ए ओ बी आपको कितना मिल गया, 60 डिग्री। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट वाला क्या हो गया, फाइंड हो गया। नाउ अब सेकेंड वाला देखते हैं। तो सेकेंड वाला हमें क्या दिया हुआ है, ए सी बी फाइंड करना है। सो एंगल ए सी बी फाइंड करना है, ठीक है। सो ए सी बी फाइंड करना है। सो अगर आप ए सी बी देखेंगे, सो ए सी बी में एंगल ए सी बी क्या है, इंस्क्राइब्ड एंगल है, ठीक है। और उसका इंस्क्राइब्ड आर्क क्या है, ए सी बी, ए सी बी क्या है, इंस्क्राइब्ड आर्क है, ठीक है। और हम ए बी फाइंड कर सकते हैं, ए बी मतलब अगर ये 60 डिग्री है तो आर्क ए बी क्या होगा, ये भी 60 डिग्री होगा सेंट्रल एंगल से। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, आर्क ए बी। ओके, सो यहाँ पर फाइंड कीजिए मेजर आर्क ए बी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। रीजन क्या देंगे, सेंट्रल एंगल। उसके पहले आपको एक चीज लिखना पड़ेगा, ये एंगल का नाम, ठीक है। तो एंगल का नाम पहले लिख लेते हैं जिसका 60 डिग्री है, सेंट्रल एंगल लिख लेते हैं, ठीक है। सो सेंट्रल एंगल कितना है, 60 डिग्री, मीन्स एंगल ए ओ बी कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। ये हमने फाइंड किया है। नाउ अगर ए ओ बी 60 डिग्री है देन हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी आर्क ए बी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो मेजर आर्क ए बी कितना है, 60 डिग्री होगा। रीजन क्या आएगा, सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल की वजह से क्या हुआ, ये आर्क 60 डिग्री हुआ, ठीक है। नाउ अभी आपको पता है कि एंगल ए सी बी जो है इंस्क्राइब्ड है, इंस्क्राइब्ड एंगल है किसमें, आर्क ए सी बी में, ठीक है। तो यहां पर लिखिए कि एंगल ए सी बी
इज इंस्क्राइब्ड इंस्क्राइब्ड इन आर्क ACB, ठीक है, ACB जो है वो इंस्क्राइब्ड आर्क है एंड ACB इंस्क्राइब्ड एंगल है, ACB, ओके। सो अब क्या होगा, आपको पता है कि जो इंस्क्राइब्ड एंगल होता है वो इंटरसेप्टेड आर्क का क्या होता है, हाफ होता है, ठीक है। सो यहाँ पर इंस्क्राइब्ड एंगल क्या है, एंगल ACB इज हाफ ऑफ आर्क AB, मेजर आर्क AB, ठीक है ना। हाफ इंटू मेजर आर्क कितना है, 60, तो आपका क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। सो एंगल ACB कितना आ गया आपका, 30 डिग्री, ठीक है। सो इस तरह से आपको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन करना था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। अगर आपको इसे लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग करते हैं थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन। सो अभी आपका थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड करना है आर्क AB। सो आर्क AB हमने सेकंड क्वेश्चन में ऑलरेडी फाइंड किया है, बट फिर से बोल रहे हैं तो हम यहाँ पे कर लेते हैं आर्क AB। सो मेजर आर्क AB आपको क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। सो अभी मेजर आर्क AB, सो हम बोल सकते हैं मेजर आर्क AB किस एंगल के इक्वल है, AOB के, ठीक है। सो यहाँ पर लिखिए मेजर आर्क AB इज इक्वल टू एंगल AOB। अब ये किस कैसे इक्वल हुआ, क्योंकि ये क्या है, ये सेंट्रल एंगल है और सेंट्रल एंगल के सामने वाला जो आर्क होता है वही क्या होता है, उसी का डिग्री सेम होता है। मतलब ये हमने डिस्कस किया था कि सेंट्रल एंगल के सामने वाला जो आर्क होता है उसका डिग्री सेंट्रल एंगल से सेम होता है। तो यहाँ पे आप डेफिनेशन, यहाँ पे आप लिख सकते हैं रीजन, डेफिनेशन ऑफ क्या लिखेंगे, माइनर आर्क, ठीक है। सो डेफिनेशन ऑफ माइनर आर्क। उसके बाद अब यहाँ पर देखिए AOB हमें ऑलरेडी मिला है, कितना मिला है, 60 डिग्री मिला है, ठीक है। सो हम बोल सकते हैं मेजर आर्क AB भी कितना हो जाएगा हमारा, 60 डिग्री, ठीक है। सो इस तरह से हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। नाउ फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। सो फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आर्क ACB फाइंड करना है हमें, आर्क ACB फाइंड करना है, ठीक है। अब आर्क ACB फाइंड करना है और हमारे पास AB है, सो हम बोल सकते हैं आर्क ACB प्लस AB इज इक्वल टू 360, ओके। मेजर ऑफ सर्कल इज 360, ठीक है। सो हम ये बड़े वाले आर्क और छोटे वाले आर्क को ऐड करके 360 के इक्वल दिखा सकते हैं। तो इसमें हमारे पास छोटा वाला आर्क है तो उसको 360 से माइनस कर देंगे उस साइड ले जाके, तो हमें बड़ा वाला आर्क मिल जाएगा। देखिए कैसे, सो मेजर आर्क ACB प्लस AB प्लस मेजर आर्क AB इज इक्वल टू 360। रीजन, मेजर ऑफ सर्कल इज 360, ठीक है। सो यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं क्या करता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ और नीचे लिख लेता हूँ, ठीक है। रीजन, मेजर ऑफ सर्कल इज 360, ठीक है। नाउ अभी ACB तो हमें पता नहीं है, वही फाइंड करना है, तो यहाँ पे ACB एज इट इज लिख दीजिए, मेजर आर्क ACB। नाउ ये हमें पता है, ये हमें कितना मिला है, 60, ठीक है। सो यहाँ पे पुट कीजिए 60 इज इक्वल टू 360। नाउ मेजर आर्क ACB इज इक्वल टू 360 माइनस 60, ओके, देन यू विल गेट मेजर आर्क ACB इज 300, ओके। सो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे क्वेश्चन करने थे, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सो क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या दिया है, इन फिगर 3.57 PQRS इज साइक्लिक। PQRS क्या है, साइक्लिक है, मतलब इसके अपोजिट एंगल का सम कितना होगा, 180, सप्लीमेंट्री होगा, ठीक है। नाउ साइड PQ कॉन्ग्रुएंट टू साइड RQ, साइड PQ कॉन्ग्रुएंट है RQ के, तो इसका यूज हमें बाद में होगा क्वेश्चन नंबर थर्ड में, ठीक है। नाउ PSR इज 110, आपको PSR दिया है 110, ठीक है। नाउ फाइंड मेजर ऑफ एंगल PQR,
पी एस आर दिया है आपको, पी क्यू आर फाइंड करना है, ठीक है। सो ये साइक्लिक है तो इसके अपोजिट एंगल का सम कितना होगा, 180 अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ओके ठीक है। सो अभी क्या करेंगे हम लोग, पी एस आर और पी क्यू आर को ऐड करके 180 के इक्वल लिखेंगे, तो देखिए कैसे। सो पहले लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन और आप लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक, ठीक है, साइक्लिक लिखा गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, अब ये वाला एंगल हमें दिया है ये फाइंड करना है, तो हमें क्या दिया है, एंगल पी एस आर दिया हुआ है 110। नाउ आपको फाइंड करना है पी क्यू आर, सो आपको फाइंड करना है पी क्यू आर, ठीक है। सो अभी इसको और इसको ऐड करके 180 के इक्वल दिखा सकते हैं, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। सो लिखिए पी एस आर प्लस पी क्यू आर इज इक्वल टू 180, ठीक है, अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, रीजन अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। नाउ अभी पी एस आर हमारे पास है 110, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, देन पी क्यू आर इज इक्वल टू 180। ना इसको इस साइड लेके आइए, सो पी क्यू आर इज इक्वल टू 118 माइनस 110, सो पी क्यू आर आपको कितना मिल जाएगा, 70। सो इस तरह से आपको मिला पी क्यू आर। नाउ नेक्स्ट आपको क्या फाइंड करने बोला है, नेक्स्ट आपको फाइंड करने बोला है मेजर आर्क पी क्यू आर, ओके। सो यहाँ पर नेक्स्ट आपको फाइंड करने बोला है मेजर आर्क पी क्यू आर। सो देखिए पी क्यू आर कहाँ दिया है, पी क्यू आर, सो पी क्यू आर हमें फाइंड करना है। बट अगर हम लोग पी क्यू आर आर्क को देखें तो उसका इंस्क्राइब्ड एंगल ये वाला है, ठीक है। सो इंस्क्राइब्ड एंगल जो होता है वो हाफ होता है किसका, इस उसके आर्क का, ठीक है, जिस आर्क की वजह से वो इंस्क्राइब्ड एंगल बनता है वो उसका हाफ होता है, मतलब ये वाला जो है हाफ होगा इस, ये वाला सॉरी इंस्क्राइब्ड एंगल जो है वो हाफ होगा इसका, ठीक है। हमने इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि ये एंगल जो है इंटरसेप्टेड आर्क का क्या होता है, हाफ होता है, ठीक है। सो इस एंगल का इंटरसेप्टेड आर्क कौन सा होगा, ये वाला होगा पी क्यू आर, और ये क्या होगा, इंस्क्राइब्ड एंगल। सो इंस्क्राइब्ड एंगल इज हाफ ऑफ इंटरसेप्टेड आर्क, तो ये हमें हम यहाँ पर लिखेंगे। सो यहाँ पर क्या लिखोगे, एंगल पी क्यू आर सॉरी पी एस आर, एंगल पी एस आर इज हाफ ऑफ दिस आर्क इंटरसेप्टेड आर्क पी क्यू आर, मेजर आर्क पी क्यू आर, ठीक है। सो अभी यहाँ पर पी एस आर हमें मिला है, पी एस आर हमें कितना दिया है, 110। सो यहाँ पर लिखिए 110 इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर आर्क पी क्यू आर। यहाँ पर आपका एक रीजन भी आएगा, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, ठीक है, अच्छे से लिख लेते हैं इसको, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम ठीक है। नाउ अब इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 110 इंटू 2 इज इक्वल टू मेजर आर्क पी क्यू आर, देन आपको क्या मिलेगा, 220 इक्वल टू मेजर आर्क पी क्यू आर, देन आप पी क्यू आर का मेजर आर्क प्रॉपरली लिख लीजिए, सो मेजर आर्क पी क्यू आर इक्वल टू 220 डिग्री। सो इस तरह से हमें दो क्वेश्चन के आंसर मिल गए। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ। सो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया हुआ है हमें। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया हुआ है मेजर आर्क QA, हम लोग को क्या फाइंड करना है, मेजर आर्क QA, ठीक है सॉरी QR, मेजर आर्क QR, ठीक है। सो अब ये कैसे फाइंड होगा, तो यहाँ पर यूज होगा आपका वो जो दिया था, साइड PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड RQ, क्या दिया है आपको, साइड PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड आर क्यू, ठीक है। अब देखिए आपको क्या निकालना है, क्यू आर,
क्यू आर मतलब ये निकालना है, मतलब ये वाला और ये वाला अगर आप लाइन देखेंगे सो इस एंगल का ये क्या है, इंटरसेप्टेड आर्क है, ठीक है। सो ये इंटरसेप्टेड आर्क है, मतलब अगर ये एंगल हम फाइंड कर लेते हैं तो हमें क्यू आर मिल जाएगा, ठीक है। मतलब ये एंगल जितना होगा वही क्या होगा, सॉरी ये एंगल जो है इसका क्या होगा, हाफ होगा, क्योंकि ये क्या है इंस्क्राइब्ड एंगल है और ये इंटरसेप्टेड आर्क है। सो इंस्क्राइब्ड एंगल हाफ होता है किसका, इंटरसेप्टेड आर्क का। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, पी। अगर हम पी निकाल लेते हैं तो फिर उसको क्या कर देंगे, डबल कर देंगे तो हमें आर क्यू मिल जाएगा, ठीक है, इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम से। तो सबसे पहले देखिए पी क्यू क्या है, इक्वल है क्यू आर के। सो अगर पी क्यू इक्वल है क्यू आर के तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, कैसे, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम से, ठीक है। सो हम लिख सकते हैं एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू क्यू आर पी, क्यू आर पी कैसे, रीजन आएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, ठीक है ना। अभी ये और ये इक्वल हो गया, सो अगर ये और ये इक्वल हो गया तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये एंड ये तीनों का सम कितना होगा, 180 होगा, क्योंकि ये एक ट्रायंगल हो गए हैं। सो यहाँ से हमें ये दोनों मिल सकते हैं, और ये दोनों अगर मिल गए तो हमें यही तो फाइंड करना था, अगर ये मिल गया तो हमें आर क्यू भी मिल जाएगा। सो अब ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, सो ट्रायंगल पी क्यू आर में आपको क्या मिलेगा, ये प्लस ये प्लस ये इक्वल टू 180, ओके। सो लिखिए एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल क्यू आर पी इक्वल टू 180, ओके। रीजन क्या आएगा, सम ऑफ मेजर ऑफ अ ट्रायंगल, सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। अब यहाँ पर पी क्यू आर हमें पता है कितना है, 71st क्वेश्चन में फाइंड किया था हमने क्यू पी आर और क्यू आर पी। सो हमें फाइंड क्या करना है, पी ना, तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्यू आर पी की जगह पे क्यू पी आर लिख सकते हैं, दोनों एक दूसरे के इक्वल है, हमें जो चाहिए वही लिख लेंगे यहाँ पे। सो क्यू पी आर तो इसको ऐसे ही रखेंगे, इसको चेंज कर देंगे, क्यू आर पी इक्वल है क्यू पी ए के, तो इसकी जगह पे क्यू पी आर लिख सकते हैं। सो लिखिए क्यू पी आर इक्वल टू 180, ठीक है। अब यहाँ पर 70 एज इट इज रहेगा, ये 2 क्यू पी आर हो जाएगा इक्वल टू 180, 70 उस साइड जाएगा, सो 2 क्यू पी आर इक्वल टू 180 माइनस 70, देन क्यू पी आर इक्वल टू 110। नाउ क्यू पी आर इक्वल टू 110 डिवाइड बाई 2, सो आपको कितना मिलेगा, 55, ठीक है। सो यहाँ पे आपको क्यू पी आर कितना मिल गया, 55। सो ये क्या है, 55 मिल गया, ठीक है। अब ये वाला और ये वाला लाइन देखेंगे तो ये इस एंगल का ये क्या है, इंटरसेप्टेड आर्क है आर क्यू, ठीक है। सो इंटरसेप्टेड आर्क डबल होता है किसका, इंस्क्राइब्ड एंगल का। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल आर पी क्यू इज हाफ ऑफ मेजर आर्क आर क्यू, मेजर आर्क आर क्यू, ठीक है। यहाँ पर रीजन क्या आएगा, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, ठीक है ना। अभी आर पी क्यू है हमारे पास, आर पी क्यू है हमारे पास 55, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर आर्क आर क्यू, ठीक है ना। ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 110 हो जाएगा, देन मेजर आर्क आर क्यू मिल गया आपको 110। सो मेजर आर्क आर क्यू कितना आ गया आपका, 110। सो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन, क्या फाइंड करना है हमें, मेजर ऑफ एंगल पी आर क्यू। सो यहाँ पर लिख लेते हैं पी आर क्यू, हमें क्या करना है, फाइंड करना है।
पी आर क्यू। सो देखिए ये अगर 55 है सो ये भी 55 होगा, ठीक है। सो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं, बट हमें यहाँ पर एक चीज़ और देखने मिल रही है कि हमने आर क्यू फाइंड किया था, ठीक है। सो अगर हमने आर क्यू फाइंड किया था तो यहाँ पर ये और ये दोनों हमें इक्वल दिया है, क्या बोल रहा है। सो यहाँ पर हम बोल सकते हैं आर करस्पॉन्डिंग आर कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड, ठीक है। मतलब कि जो कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ये हमने पढ़ा था 3.3 स्टार्ट करने से पहले, अगर कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उसके आर्क भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। सो यहाँ पर हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर। सो लिखिए यहाँ पर साइड पी क्यू कॉन्ग्रुएंट है साइड क्यू आर के, ठीक है। ये हम प्रीवियस क्वेश्चन को भी इस मेथड से कर सकते थे तो चलेगा, आप चाहे इस मेथड से कीजिए या फिर जो मैंने बताया उस मेथड से कीजिए, जो दोनों क्या है करेक्ट है। तो यहां पर ये क्या दिया आपको, गिवन, ठीक है। नाउ अगर ये कॉर्ड क्या है, अगर साइड पी क्यू मतलब ये क्या है, ये दोनों कॉर्ड ही है, तो यहां पर लिख दीजिए कॉर्ड पी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड क्यू आर, ठीक है। अब कॉर्ड अगर कॉन्ग्रुएंट है तो आर्क भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। सो लिखिए यहां पर आर्क आर क्यू इज कॉन्ग्रुएंट आर्क पी क्यू, ठीक है। यहां पर रीजन क्या आएगा, आर्क करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड कॉर्ड, ठीक है। सो अब यहाँ पर देखिए, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में फाइंड किया था मेजर आर्क आर क्यू। सो मेजर आर्क आर क्यू कितना आया था हमारा, मेजर आर्क आर क्यू कितना आया था हमारा, इसका डबल आया था, सो कितना आया था 110, ओके। सो अगर मेजर आर्क आर क्यू 110 आया था, सो मेजर आर्क पी क्यू भी कितना होगा, 110 ही होगा, दोनों इक्वल हैं, ठीक है, ठीक है। अब क्या होगा, ये क्या है, इस आर्क का पी क्यू का क्या है, इंस्क्राइब्ड एंगल है, और पी क्यू क्या है, इस एंगल का इंटरसेप्टेड आर्क है। अगर इस लाइन को इधर बढ़ाएंगे, इस लाइन को इधर बढ़ाएंगे, तो ये एंगल इंस्क्राइब्ड होगा, ये इंटरसेप्टेड होगा, ठीक है। सो इंस्क्राइब्ड एंगल हाफ होता है किसका, इंटरसेप्टेड का। सो लिखिए एंगल क्यू आर पी, क्यू आर पी इज हाफ ऑफ मेजर आर्क पी क्यू, ठीक है। सो हाफ ऑफ पी क्यू कितना आया है, 110, सो ये कितना हो जाएगा, 55। सो इस तरह से क्यू आर पी आपका कितना आ गया, 55। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट होता है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। सो अभी क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड को पहले रीड कर लेते हैं, क्या दिया हुआ है, क्वाड्रिलेटरल एम आर पी एन इज साइक्लिक, मेजर एंगल R इज इक्वल टू 5x माइनस 13 डिग्री एंड मेजर एंगल N इज इक्वल टू 4x प्लस 4 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ R एंड N। सो अगर आपको M, R, P, N जो है वो क्या दे दिया है, साइक्लिक दे दिया है, इट मींस इसके अपोजिट एंगल का सम कितना होगा, 180। इसके अपोजिट एंगल क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे, ठीक है। सो हम अपोजिट एंगल को ऐड करके 180 के इक्वल दिखा देंगे, देन हमें जो वैल्यू दिया है वो वैल्यू हम वहाँ पर पुट करेंगे, देन हम फाइंड करेंगे एक्स का वैल्यू। अब अगर हमें x का वैल्यू मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, r की जो वैल्यू दी हुई है उसमें पुट कर देंगे तो हमें एक एंगल मिलेगा, उसी तरह से n की जो वैल्यू दी है उसमें पुट कर देंगे तो हमें दूसरा एंगल का डिग्री मिल जाएगा, ठीक है। सो अगर ये साइक्लिक है तो सपोज मैं इस तरह से बना लेता हूँ रफ, ठीक है। सो यहाँ पर आपको दिया है नाम एम आर पी एन, एम आर पी एन, ठीक है। यहाँ पर आपका R और N दिया है एंगल, ठीक है, ये दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री है। सो आपको डायग्राम वैसे बनाना नहीं है, बस सॉल्व करना है आपको। सो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्वाड्रिलेटरल एम आर एन सॉरी पी एन इज साइक्लिक, ठीक है। देन आपने साइक्लिक लिख दिया, उसके बाद आप क्या करेंगे, आर का वैल्यू जो दिया है वो लिख लीजिए। सो आर का वैल्यू क्या दिया है, 5x माइनस 13,
देन आप n का वैल्यू लिख लीजिए, तो n का वैल्यू क्या दिया हुआ है आपको, 4x प्लस 4। नाउ अब क्या कीजिए, इन दोनों को ऐड करके 180 के इक्वल दिखा दीजिए। तो मेजर आर्क r प्लस r, सॉरी मेजर आर्क नहीं है, एंगल r प्लस एंगल n इक्वल टू 180। अपोजिट एंगल r सप्लीमेंट्री, यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं आप, अपोजिट एंगल आर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री लिख लेते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, नाउ अभी आर का वैल्यू हमें जो दिया है वो पुट कर दीजिए, 5x-13 प्लस 4x+4, एन का वैल्यू पुट कर दिया, देन 180। नाउ अभी 5 and 4 9x, देन -13 and +4 -9, ओके इक्वल टू 180। नाउ अब क्या करते हैं, 9x को इधर ही रहने देते हैं, 180 + 9, सो 9x इक्वल टू 189, देन x इक्वल टू 189/9, सो 9 2 18, 9 1 9, देन द वैल्यू ऑफ x इज 21। नाउ हमें एंगल r और एंगल n का एक्चुअल मेजरमेंट निकालना है। ठीक है, सो एंगल r कितना दिया हुआ हमें, 5x-13। सो अभी यहाँ पे x का वैल्यू हमें मिल गया, तो पुट करते हैं x का वैल्यू, सो 5 × 21 - 13, सो आपको क्या मिलेगा, 5 1 5 5 2 10 - 13। नाउ 5 - 3 2, 10 - 1 9, सो मेजर आर्क r आ गया, सॉरी मेजर एंगल r आ गया 92 डिग्री। ओके नाउ अभी n का निकालते हैं, सो n इज इक्वल टू 4x + 4। ठीक है, सो अभी 4 × 21 + 4, देन 4 1 4 2 8 + 4, देन यू विल गेट 88। अब इन दोनों को ऐड करके कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, सो 8 और 2 10, 9 और 8 17 and 1 18, सो बस आपका करेक्ट है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर थर्ड करना था। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर, अपना क्वेश्चन नंबर फोर। सो क्वेश्चन नंबर फोर हमें क्या दिया हुआ है, आपको एक सर्कल बनाकर दिया हुआ है और उसमें एक डायमीटर दिया हुआ है, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ है। बट आपको क्वेश्चन में बोल रहा है सारे कंस्ट्रक्शन करने के लिए, तो वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे करके रखे हैं। सो चलिए एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं, आपको समझ में आएगा। इन फिगर 3.58 सेगमेंट RS इज अ डायमीटर, सेगमेंट RS क्या है, डायमीटर है। सर्कल विद सेंटर O, आपका सेंटर क्या है, O है। पॉइंट T लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, पॉइंट T आपके सर्कल के बाहर है। ठीक है, नाउ प्रूव दैट RTS इज एन एक्यूट एंगल, RTS जो है वो क्या प्रूफ करना है, एक्यूट एंगल प्रूफ करना है। इट मींस आपका RTS एक्यूट एंगल कब होता है, जब 90 डिग्री से छोटा होता है। तो अगर हम लोग RTS को 90 डिग्री से छोटा भी प्रूफ कर देते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि वो एक्यूट एंगल है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें प्रूफ करना है, तो हमें लिखना पड़ेगा गिवेन। सो गिवेन हमें क्या दिया हुआ है, गिवेन हमें दिया हुआ है सेगमेंट RS इज अ डायमीटर, सेगमेंट RS इज अ डायमीटर, डायमीटर सर्कल विथ सेंटर O, सर्कल विथ सेंटर O। ठीक है, नाउ हमें टू प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमें करना है एंगल RTS is an acute angle। ठीक है, नाउ अभी कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन में लिखिए जॉइन RTST एंड XS। ठीक है, यहां पर N ले लीजिए, एक्स एस अच्छा नहीं लग रहा है, एन एस लिख लीजिए। ठीक है, वैसे आप नाम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ अब हम लोग प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सो प्रूफ में हमें कैसे प्रूफ करना है वो देखिए। सो सबसे पहले अगर आप
इस ट्रेंगल में देखते हैं, इस सर्कल में देखते हैं तो आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ है, सिर्फ एक डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है। बट उसने बोला है कि यहाँ पर एक टी है पॉइंट, तो वो क्या हुआ, हमने कंस्ट्रक्ट करके उसे ज्वाइंट कर लिया। सो अब देखिए, अगर आप ये वाला एंगल देखते हैं तो ये एंगल क्या है, इंस्क्राइब्ड एंगल है, किसका, सेमी सर्कल का। तो सेमी सर्कल का इंस्क्राइब्ड एंगल 90 डिग्री होता है, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। ये एक एक्टिविटी थी, एक थ्योरम के तरह ही था, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो ये क्या होता है, अगर सेमी सर्कल के ऊपर इंस्क्राइब्ड एंगल बनता है या सेमी आर्क का यूज करके इंस्क्राइब्ड एंगल बनता है तो वो 90 डिग्री का होता है। इट मीन्स एंगल एन कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। और एंगल एन जो है वो एक्सटीरियर एंगल होगा, किसका, एन एस टी का या एन टी एस का, मतलब ये वाले ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर एंगल है। सो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, अपोजिट एंगल्स जो होते हैं उनका सम, उनके सम के इक्वल होता है, ठीक है। सो इन दोनों के प्लस के इक्वल ये होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका ऑटोमेटिकली ये आपको एक्यूट एंगल मिल जाएगा, क्योंकि ये 90 मिल गया। सो ये देखिए कैसे आपको एक्यूट एंगल मिलेगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि जॉइंट जो हमने किया है, जॉइंट आर टी एस टी एंड एन एस, ठीक है। यहाँ पर लिखिए बाय कंस्ट्रक्शन। ना अब क्या कीजिए, जो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है सेगमेंट आर एस इज अ डायमीटर, ओके। सेगमेंट आर एस क्या था, डायमीटर था। और ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का। तो लिखिए एंगल आर एन एस इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन क्या आएगा, इंस्क्राइब्ड एंगल मेड बाय सेमी सर्कल, इंस्क्राइब्ड एंगल मेड बाय सेमी सर्कल, ओके। नाउ अभी ये आपको कितना मिल गया, 90 डिग्री मिल गया, ठीक है। देन ये वाले ट्रायंगल का नाम लिखिए, ये वाले ट्रायंगल में ये क्या होगा, इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल होगा। सो लिखिए यहाँ पे एंगल आर एन एस इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल एन टी एस, एन टी एस। अगर ये एन टी एस का क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, सो इसके इक्वल इन दोनों का सम आएगा, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल का, ठीक है। सो अब क्या करते हैं हम लोग, एंगल आर एन एस, आर एन एस जो है वो किसके इक्वल आएगा, एन टी एस, एन टी एस प्लस टी एस एन, टी एस एन। यहाँ पे रीजन क्या आएगा, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लिखिए या थ्योरम लिखिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए आर एन एस कितना है, आर एन एस 90 है, सो यहाँ पर पुट कर दीजिए 90। देन एन टी एस, एन टी एस इसको एज इट इज रखिए, प्लस टी एस एन, टी एस एन, ठीक है। यहां पर एक चीज चेंज होगा, देखिए आर एन टी एस है ना, एन टी एस, सो एन टी एस को हम आर टी एस लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वाले ट्रायंगल में भी ये एंगल है और ये वाले ट्रायंगल में भी ये एंगल है, क्योंकि हमें चाहिए, क्या चाहिए, आर टी एस, तो वो हमें लाना पड़ेगा। तो हम अगर आर टी एस लिखे तो भी यही एंगल आएगा और एन टी एस लिखे तो भी यही एंगल आएगा, तो हम एन टी एस की जगह पे आर टी एस लिखते हैं, ठीक है। प्लस ये एज इट इज रहेगा टी एस एन, ठीक है। नाउ अब क्या कीजिए, आर टी एस को हमें एक्यूट एंगल प्रूफ करना है, तो 90 को उधर लेके जाइए या फिर इसको इधर लेके आइए, उसको वहीं रहने दीजिए। सो 90 माइनस टी एस एन इक्वल टू आर टी एस। अब इसको सीधा करके हम लिखते हैं, तो आर टी एस इक्वल टू 90 माइनस टी एस एन। सो देखिए
अब RTS हमें क्या मिला, 90 माइनस कुछ तो मिला, ठीक है, 90 माइनस हमें कुछ मिला। सो अगर 90 में से हम कुछ भी माइनस करेंगे तो हमें ये पता है वो 90 से क्या आएगा, कमी आएगा। इट मीन्स RTS क्या आया, 90 से छोटा आया, ठीक है। सो आप लिख सकते हो RTS इज लेस देन 90, इट मीन्स RTS क्या हो गया, एक्यूट एंगल हो गया, एक्यूट एंगल, ठीक है। 90 से हमें कुछ माइनस करेंगे तो हमें 90 से छोटा ही मिलेगा, और RTS 90 से छोटा है, 90 से छोटा है मतलब एक्यूट एंगल है। इट मींस यहाँ पर प्रूफ हो गया कि RTS इज एन एक्यूट एंगल। सो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 4 करना था। क्वेश्चन नंबर 4 हार्ड नहीं था, बट क्या है इसमें थोड़ा दिमाग को यूज करना था कि किस तरह से हमें प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है और किस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पर दो प्रॉपर्टी अप्लाई हुई, एक एक्सटीरियर एंगल थ्योरम की और एक इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम की। मतलब हमने प्रीवियस में जो कुछ भी सीखा था उसी का यहाँ पर यूज किया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, प्रूफ दैट एनी रेक्टेंगल इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सो हमें रेक्टेंगल को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूफ करना है। सो रेक्टेंगल कैसा होता है, ऐसा, ठीक है। रेक्टेंगल के सभी एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। सो ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल एंड ये एंगल, ये सभी के सभी क्या है, 90 डिग्री के हैं, ठीक है ना। सो हमें ये प्रूफ करना है कि ये क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। सो हम अगर इसके अपोजिट एंगल के सम को सप्लीमेंट्री दिखा देते हैं, मीन्स 180 दिखा देते हैं, तो हमें मिल जाए, बोल सकते हैं हम कि कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम से ये क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। सो देखिए ये 90 होता है, ये 90 होता है, तो 90 90 180, ये 90 ये 90, 90 90 180। तो सिंपली हमें मिल जाएगा कि इनके अपोजिट एंगल का जो सम होता है वो 180 मीन सप्लीमेंट्री होता है, तो हम बोल सकते हैं कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। सो यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 5 में पहले गिवन लिखना पड़ेगा। गिवन क्या लिखना पड़ेगा, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। देन आपको प्रूफ क्या करना है, सो टू प्रूफ में आप लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ साइक्लिक, ठीक है ना। अभी प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सो प्रूफ स्टार्ट करने से पहले आप लिखेंगे कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। अगर वो रेक्टेंगल है तो उसके सभी एंगल कितने डिग्री के होंगे, 90 90 डिग्री के होंगे। सो आप यहां पर लिखिए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ये क्या दिया है, गिवन दिया हुआ है, ठीक है। को नीचे लिख लेता हूं मैं, ये आपको दिया हुआ है गिवन, ठीक है। अगर ए बी सी डी रेक्टेंगल है तो ए बी सी डी सभी कितने डिग्री के होंगे, 90 90 डिग्री के होंगे। तो लिखिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन क्या आएगा, एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल, एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल, या फिर ऐसे लिखिए ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 90, ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 90, ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 90, ओके। सो अब यहां से अपोजिट एंगल कौन से, ए और सी, तो आप लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 प्लस 90, देन आपको क्या मिलेगा, 180, ठीक है। सो यहाँ पर आपको अपोजिट एंगल क्या मिल गया, सप्लीमेंट्री मिल गया। सो आप यहाँ पर लिख सकते हैं अपोजिट एंगल आर सप्लीमेंट्री, अपोजिट एंगल आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। सो अगर अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री आ रहे हैं तो आप बोल सकते हैं ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ साइक्लिक, रीजन क्या आएगा, बाय कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम, ठीक है। सो बस इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 5 करना था। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
चलिए अब रीड कर लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सिक्स। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या दिया हुआ है, इन फिगर 3.59 एटीट्यूड्स y, z एंड x, t ऑफ ट्रायंगल w, x, y इंटरसेक्ट एट पॉइंट p, प्रूफ दैट। प्रूफ क्या करना है हमें, क्वाड्रिलेटरल w, z, p, t इज साइक्लिक, ठीक है। सो हमें ये क्या दिया है, ट्रायंगल दिया जिसका नाम है w, x, y और उसमें ये क्या है, एल्टीट्यूड है y, z एंड x, t, ओके। और वो इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट p पर, और हम लोग को पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमें w, z, p, t को क्या प्रूफ करना है, साइक्लिक, ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूफ करना है। तो देखिए ये कैसे होगा, ये 90 है, ये 90 होगा। सो अगर ये दोनों 90 है तो ये दोनों तो हमें कुछ नहीं दिया है, लेकिन ये दोनों अपोजिट एंगल है और 90-90 क्या होगा, 180 होगा। सो हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का थ्योरम पढ़ा है कि अपोजिट एंगल अगर सप्लीमेंट्री होते हैं तो जो क्वाड्रिलेटरल होता है वो क्या होता है, साइक्लिक होता है। तो हमें ये 90 और 90 दिख रहा है, इन दोनों को ऐड कर देते हैं हम, तो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल प्रूफ हो जाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। सो हमें जो गिवन दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। सो गिवन में हमें क्या दिया हुआ है, इन ट्रायंगल डब्ल्यू एक्स वाई, एक्स वाई एंड एक्स टी इज अ आर अ एटीट्यूड। सो एक्स वाई सॉरी एक्स टी, एक्स टी एंड वाई जेड आर एल्टीट्यूड, ओके। नाउ आपको टू प्रूफ क्या करना है, सो प्रूफ आपको दो चीज करनी है। सो हम पहले पहला वाला लिख लेते हैं, पहला वाला क्या दिया है आपको, क्वाड्रिलेटरल क्या बोल रहा है आपको, डब्लू जेड पी, डब्लू जेड पी टी, डब्लू जेड पी टी आर साइक्लिक। एंड सेकेंड आपको क्या प्रूफ करना है, सो सेकेंड आपको प्रूफ करना है पॉइंट एक्स जेड टी वाई आर कॉन साइक्लिक, पॉइंट x, z, t, y आर कौन साइक्लिक। तो इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे कौन साइक्लिक क्या होता है, अभी इसे प्रूफ करते हैं। तो इसे प्रूफ करना है, सो इन क्वाड्रिलेटरल डब्लू जेड पी टी, डब्लू जेड पी टी, ठीक है। इसमें अभी ये एंगल आपका कितना दिया है, 90, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, इधर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ठीक है। सो डब्ल्यू जेड पी आपको कितना दिया है, 90, डब्ल्यू जेड पी आपका कितना हो गया, 90 डिग्री। देन डब्ल्यू टी पी, डब्ल्यू टी पी ये भी कितना हो गया आपका, 90 डिग्री। इसका रीजन क्या देंगे, गिवन, ठीक है ना। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, अपोजिट एंगल है सो अपोजिट एंगल को ऐड कर देते हैं हम लोग। सो डब्ल्यू जेड पी प्लस डब्ल्यू टी पी इक्वल टू 90 प्लस 90, देन यू विल गेट 180। अगर अपोजिट एंगल 180 आ गया तो हम लोग बोल सकते हैं डब्ल्यू जेड पी टी क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और रीजन क्या लिखेंगे, कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, क्वाड्रिलेटरल डब्ल्यू जेड पी टी इज अ साइक्लिक, ओके। रीजन क्या देंगे, बाय कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम, ठीक है। सो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर सिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन करना था, चलिए अब देखते हैं अपना सेकेंड क्वेश्चन। सो चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया आपको, पॉइंट एक्स जेड टी वाई आपको क्या प्रूफ करना है, कौन साइक्लिक प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि कौन साइक्लिक होता क्या है। सो एक ही सर्कल में अगर दो ट्रायंगल हैं और दोनों ट्रायंगल के एंगल जो हैं वो क्या करते हैं, एक ही लाइन या एक ही कॉर्ड के ऊपर से पास होते हैं, तो उनके दोनों एंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये हमने क्या किया था, अपने थ्योरम वाला जो हमने बेसिक वीडियो बनाया है उसमें हमने डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखिए, क्योंकि वो वीडियो अगर नहीं
देखेंगे तो आपको इस प्रैक्टिस सेट का एक भी सम नहीं समझ में आएगा। तो वो वीडियो देखिए, उसका लिंक हम मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चलिए अब कौन साइक्लिक क्या होता है, तो एक ही सर्कल में अगर दो ट्रायंगल है और दोनों ट्रायंगल के अगर एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो वो क्या होता है, कौन साइक्लिक पॉइंट होता है। तो हम क्या करेंगे, ये एंगल और ये एंगल को अगर कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे तो हम बोल सकते हैं कि n x y t जो है वो क्या है, कौन साइक्लिक है। ठीक है, सो आपका एक थ्योरम भी देकर रखा हुआ है पेज नंबर 17 पर। क्या देकर रखा हुआ है, इफ टू पॉइंट्स ऑन अ गिवन लाइन सबटेन इक्वल एंगल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट विच लाइज ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन देन द फोर पॉइंट आर कौन साइक्लिक। सो ये थ्योरम आपके स्क्रीन पे भी डिस्प्ले हुआ होगा। सो देखिए आपको क्या बोल रहा है थ्योरम में, कि एक लाइन है ठीक है और यहाँ पर कोई दो पॉइंट है। जब वो दोनों पॉइंट क्या करते हैं, दोनों पॉइंट से जो उसके आर्म्स है वो कुछ इस तरह से क्या होते हैं, अगर पास होते हैं तो ये एंगल जो है इस एंगल के कॉन्ग्रुएंट होता है। ठीक है, और अगर ये एंगल इस एंगल के कॉन्ग्रुएंट होता है तो हम बोल सकते हैं, जैसे यहाँ पर एक्स वाई ए बी दे दीजिए, सो ए बी एक्स वाई जो है वो क्या है, कौन साइक्लिक पॉइंट है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो अगर हमें ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट मिल जाते हैं तो हम बोल सकते हैं कि ये चारों क्या है, कौन साइक्लिक है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन उसके लिए आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर एक वर्ड है सबटेंड्स। सबटेंड्स का मतलब होता है मेक, मेक मतलब बनाना। ठीक है, सो वो बोल क्या रहा है कि दो पॉइंट है जो क्या कर रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट एंगल बना रहे हैं। ठीक है, सो वही वो कहना चाहता है आपको। सो ये दोनों पॉइंट है जो कॉन्ग्रुएंट एंगल बना रहे हैं। ठीक है, सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कौन साइक्लिक के लिए, कौन साइक्लिक प्रूफ करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल। तो इसका नाम क्या है, एक्स एन पी, एंगल एक्स एन पी 90 डिग्री है ना। वाई टी पी, वाई टी पी ये भी क्या है, 90 डिग्री है। रीजन क्या आएगा, गिवन। ठीक है ना, अभी आपका ये गिवन दिया हुआ है बट ये दोनों कॉन्ग्रुएंट किसकी वजह से बन रहे हैं, इसकी वजह से। तो इसका स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा हमें, क्या स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, सेगमेंट एक्स वाई सबटेंड सबटेंड्स कॉन्ग्रुएंट एंगल एट पॉइंट n एंड t, एट पॉइंट n एंड t विच आर ऑन द सेम साइड, ऑन द सेम साइड ऑफ लाइन एक्स वाई। ठीक है, सो देखिए क्या लिखा मैंने, कि सेगमेंट एक्स वाई जो है क्या कर रहा है, दो कॉन्ग्रुएंट एंगल बना रहा है, और वो जो दोनों कॉन्ग्रुएंट एंगल है वो कौन से पॉइंट पे बन रहे हैं, पॉइंट एन पे और पॉइंट टी पर। ठीक है, और ये जो पॉइंट एन और पॉइंट टी है वो लाइन एक्स और वाई के एक साइड पर है, तो वो मैंने यहाँ पर लिखा। ठीक है, अगर ऐसा होता है, हमारा थ्योरम भी यही बोलता है कि अगर वो एक साइड पर हैं और वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो इसको यहाँ पर लिखना पड़ेगा स्टार्टिंग में। सो लिख लीजिए एक्स एन पी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है वाई टी पी के, उसके बाद ये स्टेटमेंट लिखिए। ठीक है, सो ये अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम बोल सकते हैं कि पॉइंट एक्स जेड टी वाई क्या है, कौन साइक्लिक है। तो यहाँ पर लिखिए पॉइंट एक्स जेड टी वाई आर कौन साइक्लिक। सो बस इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड क्वेश्चन करना था। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 रीड कर लेते हैं, क्या दिया हुआ है। इन फिगर 3.60 मेजर आर्क एन एस इज 125। सो आपको मेजर आर्क कितना दिया है, मेजर आर्क एन एस, मेजर आर्क एन एस दिया हुआ है 125 डिग्री। ओके, एंड सेकेंड क्या दिया है, मेजर आर्क ई एफ, मेजर आर्क ई एफ दिया हुआ है आपको कितना, 37 डिग्री। देन आपको क्या फाइंड करने बोल रहा है, एन एम एस, एन एम एस, एन एम एस फाइंड करने बोल रहा है आपको।
NMS, ठीक है। सो इसका सोल्यूशन लिखते हैं। सो इसको कैसे फाइंड करेंगे? सो इसको फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो पॉइंट है ये क्या है, आउटसाइड ऑफ द सर्कल है, ठीक है। तो अगर ये आउटसाइड ऑफ द सर्कल है तो इसका ये क्या है, इंटरसेप्टेड आर्क है, और ये क्या है, इंटरसेप्टेड आर्क है। तो इंटर ये जो एंगल होता है ये हमने सीखा था, ऐसा हमारा सर्कल होता था, इस तरह का हमारा क्या होता था, ट्रायंगल होता था उसके अंदर इस तरह से। तो ये अभी ये वाला आर्क क्या होता था, ये वाला आर्क इस एंगल का क्या होता था, डबल होता था, यही होता था ना। तो अगर हमें ये फाइंड करना है तो हम इसको हाफ करेंगे, इसको हाफ करेंगे, देन इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमें ये एंगल मिल जाएगा, ठीक है। ये क्या होता था, इंटर इंस्क्राइब्ड एंगल, और ये क्या होता था, इंटरसेप्टेड आर्क। तो इंस्क्राइब्ड एंगल हमेशा क्या होता था, हाफ होता था, किसका, इंटरसेप्टेड आर्क का। ये हमने पढ़ा था इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम में, ठीक है। सो वही यहां पर हमें अप्लाई करना है। सो चलिए यहां पर सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिख लीजिए, मेजर आर्क NS इज 125 एंड मेजर आर्क EF इज 37। इसको क्या लिखिए, गिवन, ठीक है, ये आपको गिवन दिया हुआ है। देन अभी NMS क्या है, एक्सटीरियर ऑफ एक्सटीरियर मतलब एक्सटीरियर वर्टेक्स है कहाँ, किसका, सर्कल का, ठीक है। सो यहाँ पर लिखिए, एंगल NMS हैज इट्स वर्टेक्स इन वर्टेक्स इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, ओके, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल एंड इंटरसेप्टेड आर्क क्या है, ये एंड ये, तो लिखिए यहां पर एंड इंटरसेप्टेड आर्क आर क्या है, ई एफ एंड एन एस, ठीक है। ये क्या है, एक्सटीरियर सर्कल के एक्सटीरियर में है, एंड देन ई एफ एंड एन एस क्या है, इसके इंटरसेप्टेड आर्क है। तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको और इसको हाफ करेंगे एंड इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर लिखिए, एंगल एम एस सॉरी एन एम एस इज हाफ ऑफ दिस आर्क, मेजर आर्क, इसमें से इसको माइनस करना है तो ये आर्क लिखेंगे पहले, ठीक है, मेजर आर्क एन एस माइनस हाफ ऑफ मेजर आर्क ई एफ, ठीक है। नाउ अभी हाफ ऑफ कॉमन ले लीजिए, सो मेजर आर्क एन एस माइनस मेजर आर्क ई एफ, ठीक है। नाउ अभी इसका वैल्यू और इसका वैल्यू है हमारे पास, तो वैल्यू पुट कर दीजिए, हाफ एन एस का वैल्यू 125 माइनस ई एफ का वैल्यू 37। नाउ इसको माइनस करते हैं हम लोग, चलिए अब इसे माइनस कीजिए। सो हाफ ब्रैकेट 15 माइनस 7 8 एंड 11 माइनस 3 8, सो यू विल गेट 45। सो योर आंसर इज 45 डिग्री। सो आंसर लिख लीजिए, एन एम एस इज इक्वल टू 44 डिग्री, ओके। सो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, पहले रीड कर लेते हैं। इन फिगर 3.61, ओके, कॉर्ड ए सी एंड डी इंटरसेक्ट एट बी, ओके। सो कॉर्ड ये ए सी एंड डी क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट बी पे, ओके। नाउ क्या दिया हुआ है आपको, एंगल ए बी ई 108 डिग्री, एंगल दिया है ए बी ई 108 डिग्री, ए बी ई आपको कितना दिया है, 108 डिग्री, ओके। नाउ नेक्स्ट आपको क्या बोल रहा है, मेजर आर्क ए ई 95, ए ई आपको कितना दिया है, 95 डिग्री। देन आपको क्या फाइंड करना है, डी सी आपको ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें जो दिया है वो लिख लेते हैं। सो एंगल ए बी ई कितना दिया है, 108 डिग्री। देन आपको मेजर आर्क ए ई कितना दिया है, 95 डिग्री।
देन आपको क्या फाइंड करना है, मेजर आर्क डी सी। ओके, सो अब ये फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले बताना पड़ेगा जो आपको गिवन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कॉर्ड ए सी एंड कॉर्ड डी इंटरसेक्ट एट बी। सो ये लिख दीजिए, कॉर्ड ए सी एंड कॉर्ड डी ई इंटरसेक्ट एट पॉइंट बी। ओके, और उसके बाद कॉर्ड ए सी एंड कॉर्ड डी इंटरसेक्ट इनसाइड द सर्कल। ओके, सो ये भी आपको लिखना पड़ेगा, कॉर्ड ए सी एंड, या फिर इसमें भी लिख सकते हैं, इनसाइड द सर्कल, इसी में ऐड कर दीजिए, पॉइंट बी इज इनसाइड द सर्कल। ओके, सो पॉइंट बी इनसाइड द सर्कल है। तो आपको ये क्वेश्चन करने से पहले एक चीज जानना पड़ेगा कि अगर आपको ये एंगल निकालना है तो आप ये आर्क एंड ये आप आर्क को हाफ करके ऐड कर दीजिए, आपको ये एंगल मिल जाएगा। अगर ये एंगल निकालना है आपको, सपोज ये एंगल निकालना है, तो इसको एंड इसको हाफ करके ऐड कर दीजिए, आपको ये एंगल मिल जाएगा। अगर ये एंगल फाइंड करना है तो इसको एंड इसको हाफ करके ऐड कर दीजिए, तो आपको ये एंगल मिल जाएगा। उसी तरह से सेम ये एंगल फाइंड करना है तो इसको एंड इसको हाफ करके ऐड कर दीजिए, तो आपको ये वाला एंगल मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें ये आर्क फाइंड करना है। तो एक बार सपोज कीजिए कि ये एंगल फाइंड करना है, तो अगर ये एंगल फाइंड करना है तो आप इससे एंड इसे हाफ करके क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो आपको ये एंगल मिल जाएगा। ठीक है, तो वही यहाँ पर करना है। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं एंगल ए बी ई, ए बी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर आर्क ए ई प्लस मेजर आर्क डी सी। ओके, सो अब ए बी ई आपको दिया हुआ है कितना, 108 इज इक्वल टू हाफ, देन मेजर आर्क ए ई भी दिया है 95 प्लस मेजर आर्क डी सी। ओके, नाउ अब इसको ब्रैकेट ओपन कीजिए, तो 108, या फिर इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 108 में 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो 108 इंटू 2, 95 प्लस मेजर आर्क डी सी। ओके, नाउ 28 जा 16 एंड 21 जा 2 इज इक्वल टू 95 प्लस मेजर आर्क डी सी। नाउ इसको इधर लेके आइए, 260 माइनस 95 इक्वल टू मेजर आर्क डी सी। तो अब इसे माइनस कीजिए, 6 माइनस 5 1, 11 माइनस 9 2 एंड 1। सो यहां पर मेजर आर्क डी सी कितना आ गया आपका, 121। ठीक है, सो इसे सीधा करके लिख लीजिए, मेजर आर्क डी सी इक्वल टू 121। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। सो आपको क्वेश्चन नंबर 8 इसी तरह से करना था। सो यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट 3.4 कंप्लीट हो गया। सो आई होप प्रैक्टिस सेट 3.4 आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।